हेलो एवरीवन, मैं नाम सह। अस्सलाम वालेकुम, मैं रबुशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर भी किया करें। जब देख लेते हैं तो शेयर करना भी आपका फर्ज बनता है, प्लीज किया करें। तो आज की जोड़ी लेकर आए हैं भाई, हमने कल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि मुंबई की जो है ना स्ट्रीट फूड हम देख रहे थे रमजान में, लेकिन आज हम ओल्ड दिल्ली की देखने वाले हैं कि इफ्तार वहां पे कैसा होता है वो देखेंगे। बड़ा मजा आएगा क्योंकि दिल्ली जो है ना वो हमें ऐसा लगता है जैसे लाहौर की तरह है। तो क्या देखते हैं, सिमिलर फूड होता है या नहीं वो देखेंगे, मजा आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिएगा शेयर। तो देखते हैं आज की वीडियो। 2024 मार्च का 12वां दिन और रमजान का पहला, ये इस रमजान में आपकी हमारी पहली मुलाकात है। अगली मुलाकात बहुत जल्दी लखनऊ में होगी और उससे अगली मुलाकात हमेशा की तरह उसी रिवायती मोहम्मद अली रोड पर होगी। उसी रिवायती मोहम्मद अली रोड पर होगी जहां हमारा कैमरा हर साल पहुंचता है। आज के वीडियो में देखेंगे कि इस साल रमज़ान ने जो दस्तक दी है वो इस जामा मस्जिद के बाजार में क्या रौनकें, क्या रहमतें लेकर आई है। तो अंदर चलते के अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो खुशबूएं आप पहुंचती हैं वो इस कल्लन स्वीट्स की पहुंचती हैं। बहुत पुरानी बड़ी रिवायती दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? आपको बुला तो बुलाते हैं। अरे नहीं नहीं, आपने हुक्म किया होगा मैं आ जाता सर, सर के बल चल कर आता। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तैयारी है? हमने बचपन से देखी है दुकान, है कितनी पुरानी जनाब ये? सर 1939 से हमारी दुकान इसी लोकेशन पर है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2024 में हमें 85 साल हो गए हैं। इट्स बीन 85 years नाउ वी हैव बीन रनिंग दिस शॉप, और ये शॉप हमारे दादा हाजी कलम साहब ने शुरू करी थी। उसके बाद हमारे वालिद साहब और फिर उसके बाद हम तीसरी जनरेशन जो है इस दुकान को चला रहे हैं। हमारे जनाब रमजान की स्पेशलिटी है फैदला फेनी, बड़ा ऑब्वियस कीमे के समोसे। तो रमजान के अलावा क्या रहता है? बहुत सारे आइटम्स है, हफ्शी हलवा, सोहन हलवा, तमाम जैसे कि सर्दियों में आप आ जाए तो गोंद का हलवा, गाजर हलवा। वही लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। फिलहाल आपका नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम मोहम्मद नवेद है। सर जी यहाँ मजेदार जलेबियाँ तैयार हो रही है, हमें खा रही मामा जलेबी। तरतीब कुछ इस तरह से है कि आप जिस तरह से आगे इसमें बढ़ते चले जाते हैं, सबसे पहले आपको नजर आता है ये पुराना अल जवाहर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब? तो अल जवाहर और जवाहर बीच में करीम होटल की गली, और उसके बाद बस चलते चले जाइए और आप रौनकों के अंदर उतरते चले जाएंगे। इस तरह का वीडियो मुंबई से कंजेकटिवली 2 साल से आ रहा है। जो वहाँ की मोहम्मद अली रोड की फूड स्ट्रीट है उसको हम इस कदर बारीकी से देख चुके हैं कि वहाँ के जो दुकानदार हैं अब वो भी मुझे शक्ल से पहचानते हैं और इंतजार भी रहता है। तो वहाँ जल्दी हम जाएंगे। फिलहाल नूरानी दूध टाइप की जो बोतलें यहाँ नजर आई, ये वाले बड़े लोग बोलते हैं जाते हैं। पहली बार यहाँ कैमरा आ रहा है स्कूल पॉइंट पर, इसकी बड़ी ब्रांचेज है, इसका बड़ा नाम सुना है। स्कूल पॉइंट पे बड़े कूल से इंसान हमें मिले हैं, उनका नाम है जोहेब। जोहेब ये बताइए कि स्कूल पॉइंट इतने सारे खुले हुए हैं, असली कौन सा है यार? 80% यहाँ पे जितने भी दुकान हैं हमारी हैं, मेरे फादर ने स्टार्ट की थी 1980 में। आगे जीने वाली शॉप है, सब यही बताते हैं कि जीने वाली शॉप जो असली है, वहाँ से स्टार्ट किया था। शुरुआत करी थी तो मेन प्रोडक्ट क्या था? मेन हमारा शाही टुकड़ा, होममेड आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम उसको दो रंगी भी कहते हैं, गंगा जमुना आइसक्रीम भी कहते हैं उसको, बहुत सारे नाम इसमें से जितनी भी चीजें हैं। फिलहाल 1.5 घंटे के बाद ही हम ट्राई करेंगे, अभी रोजा है तो आज पहला रोजा है, और पहला रोजा ये पहली मुलाकात जामा मस्जिद में हो रही है, दूसरी मुलाकात लखनऊ में होगी, बार बार याद दिला रहा हूँ, और तीसरी होगी मुंबई में। थैंक यू। सभी आज इनको जानते हैं। क्या टाइमिंग रहेगी आपके यहाँ? शाबाश तुम्हारी हिम्मत को, बच्चे आप खैरियत से हैं? अल्लाह ने कबूल फरमा लो, बस बड़ा करम है मेरा बाबा का, बहुत बड़ा इनाम है। मेहनत किसी जाए नहीं जाती है। आज मैं 65 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 65 साल बिल्कुल, एक एक पैसे का सौदा बेचा मैंने। फुटपाथ में 24-25 साल बैठा हूँ काम के अंदर, दो मुर्गे ने बिकते थे,
मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं जितना आपका तजर्बा है। आज 76 पे बैठा हूँ मैं और अभी 8 घंटे बैठ के जाऊंगा यहाँ से। अभी अल्लाह आपको 100 साल और जिंदा रखे। बढ़ता माशाल्लाह चला जा रहा है। कितनी मोहब्बतें, कितने शरबत देख लिए। हर बार कुछ ना कुछ नया सरप्राइज मिलता है। एक सरप्राइज जगत सिनेमा के सामने होता है, एक सरप्राइज आज यहाँ मटिया महल के बाजार में भी मिल गया। भाई का एक स्वैग है यार, आप देख। स्वैग है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या क्या चाह क्या रहा हो ये बताओ। एक मोहब्बत देने वाली बात है लोग। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हाँ जी भाई, क्या बेच रहे हो? दही बड़े बेच रहे हो, माशाल्लाह घर के बने हुए लग रहे हैं। कहाँ बनाते हैं आप? यहाँ रंग महल में। कहाँ पे? रंग महल में। अच्छा अच्छा, रमजान रमजान रहमत फजा में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आलू पालक के पकौड़े। अरे बड़ा मजा आ रहा है, जो गोल गोल काटे हुए ना, ये मुझे बड़े मजे आ रहे नाजुक सी होती है, दूध में भिगो कर खाई जाती है, इस तरह से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर अभी अभी आकर पता लगा कि इसके अंदर भी कुछ इकसाम है। मुझे खान साहब बताएंगे कि इसका असल तारुफ क्या है। मेरा नाम उमेश जावेद खान है सर। दिल्ली में हमेशा से जो चली है पेनी, वो ये हमारी हैंडमेड होती है जी, हाथ की पेनी, जिसको घी में गूंदा जाता है और रिफाइंड में फ्राई किया जाता है, क्योंकि घी से इसके लच्छे निकलते हैं। ये शौक है दिल्ली वालों का। अब आ जाइए, ये शौक जो बारीक फेनी, इसको बनारसी फेनी भी कहते हैं। अच्छा, ये चलती है सर यूपी की उस बेल्ट में जहाँ पे पूरा ये अवधी एरिया लगता है। अच्छा। लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, कानपुर में, वहाँ क्या होता है सर, हर चीज़ को महीन या रिफाइंड करके खाना चाहते हैं। ये वहाँ का मिजाज है, क्योंकि वहाँ के खाने भी बहुत रिफाइंड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो क्या करते हैं, ये बारीक फेनी, इसको फेनी कहते हैं जी। बिल्कुल, तो ये बारीक फेनी से भाई इसको बनारसी फेनी कहते हैं, ये वहीं से तकरीबन बन के आती है सर। तीसरी किस्म दिल्ली वाली है, इसमें अपनी घी काफ़ी होता है ना, इसमें घी बहुत ज़्यादा नहीं होता। बेसिकली क्या है सर, इसको गूंदा जाता है घी के अंदर, इसके लच्छे जब ही खुलेंगे। अच्छा। मगर फ्राई इसको रिफाइंड में किया जा रहा है, जब पहले रिफाइंड नहीं था तो उस टाइम में घी चलता था। सही है, तो ये बेहतर बात है जी। अब इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं, ये सेवैयां हैं, इसमें भी होता है घी, इसमें भी, इसमें नहीं, ये रिफाइंड में ही होता है मोस्टली। घुंघराले वालों वाली सेवैयां हैं तो वो भी दिखा देना। ये देखिए जनाब, ये तो भाई बहुत अलग है। इसको खिमामी होगा, खिमामी। हाँ, हाँ, तो ये खिमामी सिवैया है, ये लखनऊ, ये बनारस से है जनाब। इसी का ये एक नाम होता है जिसको छड़ कहते हैं वो लोग। छड़ जी, ये भी बनारस, इसको वाइट छड़ कहते हैं, इसको छत्ता कहते हैं वाइट, और ये कानपुर का छत्ता है। क्या बात है। अच्छा, मटेरियल सबका कमोबेश सेम है सर? गालिबन देखिए, आज एक है ना एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें लोग बाग सूजी की मांगते हैं। जो आपसे कह रहा है कि सूजी की सेवैयाँ हैं, वो आपसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है जी, सब मैदा। तो हम लोग जो है अपनी कमाई को हराम नहीं करना चाहते, तो हमने आपको बिल्कुल साफ बता दिया, सब मैदा। बहुत सिवैयाँ भी है, वो पैकेट दिखाओ। तो आज तक ये लंबी लंबी सिवैयाँ, हमने आज तक यही खाई है भाई, इनकी शक्ल आज पहली बार देख रहे हैं। रमजान के अलावा भी मिलती हैं आपके यहाँ जी? 12 महीने काम है भाई जी। नव भारत स्टोर के बाहर आपको ये खूबसूरत सी दुकान यहाँ पे, बड़ी बड़ी नज़ाकत वाली चीज़ है, बड़ी आप समझ लीजिए कि इसको देख के ही ऐसा लगता है कि कुछ नवाबी खाने हैं। वहाँ खजला भी रखा हुआ है, अमूमन हम सभी रमज़ान में खाते हैं। बाजार की बेचैनी को और बढ़ने देते हैं, उसके बाद रोजे का वक्त करीब आ जाएगा, किसी अच्छी सी जगह, किसी रॉ किस्म की जगह पर कुछ खाना खाते हैं रोजे के बाद। इस वक्त मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जो इस बाज़ार का समझ लीजिए कि चेक पॉइंट है। आप जब बाज़ार मटिया महल में दाखिल होते हैं
तो सबसे पहली खुशबू जो आपकी नाक को महसूस होती है अल जवार होटल की महसूस होती है। इसका वीडियो हम 2 साल पहले कर चुके हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। खैरियत से बस जो है बहुत भाई हैं आप। चलो मोहब्बत है भाई ये बाजार वालों की। पहला रोजा पहला दिन कैसा रहा रमजान का? आज पहले रोजे के हिसाब से भी क्राउड माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, जी, जी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे रोजे के टाइम तक जामा मस्जिद पूरी भर जाएगी। ये हम सब मार्केट वालों का भी फर्ज है कि यहाँ आने वाले हर इंसान की हिफाजत करें और कोई भी दुकानदार ऐसा ना हो कि कोई किसी से बद अखलाकी करे। भाई के चैनल से मैं ये आप सबको बता रहा हूँ अखलाक दीन की बुनियाद है। बस बात इस पे ख़त्म हो जाती है। हाँ भाई ये फ्रूट चाट कितने का बेचो? बड़े खूबसूरत से पैकेट्स में लेकर आए हो तुम यार। कितने का एक है? 40 रुपये बताते हो? शर्मा की रो यार। सारे ताज़े फल हैं इसमें देख लो तो एक दो हमें भी। अच्छा सब कुछ साफ सुथरा सा पीस निकाल कर सही है। फल रखा हो है दो दे देना ऐसे कम सही है। खजूर भी दो दे दो। दो साफ सुथरा ले ना निकाल के। हाँ चलो ठीक है। अच्छा जी हमारी अफ्तारी जो थी वो आज कलन स्वीट्स पर थी और हम वहाँ वापस आ चुके हैं। सारे बाजार में हल्का सा सन्नाटा है। ये सन्नाटा अब से लेके रोज़ा अफ्तार होने तक रहेगा। उसके बाद फिर जो यहाँ पे रौनक होगी देखने लायक होगी। अच्छा जी हो गया रोज़ा अफ्तार भाई। क्या अच्छा तो ये दुकानदारी से अलग है? नहीं नहीं घर के ही बने हैं। अच्छा दुकानदारी के लिए वालदा बनाती है। ये लीजिए मैं बैठा कल्लन स्वीट्स पे हूँ लेकिन अकरम भाई की तवाजो यहाँ तक पहुँच रही है। स्पेशली समोसा भेजा है तो भाई इन्होंने बताया कि ये समोसा बिक रहा दुकान पे जरूर है लेकिन ये घर से बन के आता है। लड्डू कैन यू इमेजिन ये समोसा घर से बन के आता है और यहाँ मिलता है। कल्लन स्वीट्स पर मैं बैठा हूँ, मेरे सामने जामा मस्जिद है, मेरे पीछे ये पूरा पूरा समझ लीजिए कि खजाना है बाजार का। इसमें खुशबुएं हैं, रिवायतें हैं, इसमें रौनकें हैं, इसमें रहमतें हैं, इसमें रमज़ान है और इसमें कल्लन स्वीट्स है। समोसा खा कर देखते हैं भाई ज़बरदस्त कमाल है यार। चटनी भी होममेड है। आप हैरान करते जाइए बस बार बार। ये देसी घी में फ्राई किया हुआ? देसी घी में फ्राई करा। एक कमाल है। मुझे जब मैं घर से चला आज तो ये मालूम नहीं था कि रोज़ा कहाँ खुलेगा। चल पड़ा था। अरे शुक्रिया भाई नसीब। मैं चल पड़ा था, मैंने कहा भाई बहुत बड़ा बाजार है कहीं से भी एक खजूर खा लेंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम था अल्लाह ये नेमतें खिलाएगा। इतना खूबसूरत माहौल है। अच्छा मौसम बड़ा बड़ा प्यारा मौसम है, ना गर्मी ना सर्दी, बड़ा खुशगवार मौसम है। और इस मौसम में जामा मस्जिद के सामने यहाँ बैठ कर जब ये आपके हाथ में देसी घी का घर का बना हुआ समोसा कल्लन स्वीट्स का हो तो क्या बात है। अफ्तार के बाद बात करेंगे। अच्छा जी तो यहाँ कल्लन स्वीट्स पर हमने बहुत खूब इफ्तार किया और अब वक्त है नमाज का। नमाज के बाद बाजार का मिजाज बदल चुका, बदल चुका, यहाँ की चहल पहल में तब्दीली आ चुकी, यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ चुकी। अब इन सारी चीज़ों की तब्दीली के साथ देखते हैं कि हमारा डिनर आज यहाँ पे किस जगह पर होता है। चीज़ें अब अपने शबाब पर धीरे धीरे जा रही हैं। यही रौनक यहाँ शहरी तक चलेगी आगे। आए मोहब्बत शहर पर ऐ बड़े लोग पींदे मैदा बड़ा हां एक ऐसा स्टेशन बन गया है कि अगर आप जामा मस्जिद कुछ भी खाने आ रहे हैं या नहीं भी खाने आ रहे हैं तो आपको पीने जरूर आना है। नवाब साहब का ये सामान अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत का शरबत कहते हैं टप टप प्यार कर मुझे प्यार कर। मोहब्बत शरबत है बड़ा लोग की। इसको तो स्लोमो में शूट करना पड़ेगा तब नजर आएगा लोगों को हो क्या रहा है। अरे यार नाम आपने ही दिया? मैंने ही दिया था। सच बताइएगा खुदा की कसम मैंने ही दिया था। क्यों दिया आपने ये नाम? ये ऐसे मजाक करना मैंने पॉपुलर कर दिया तो ऐसे ही ले लिया।
लोगों ने इसको फिर मोहब्बत के बाद नफरत भी बना दी है, कई बच्चे इनके हो गए फिर बाद नफरत के चालू करे। हाँ नफरत का भी है, एक मंडवाली भी है बॉम्बे में मैंने देखा, लखनऊ हैदराबाद पीस का नाम पहुंच गया अल्लाह पूरी दुनिया में। हाँ जी हाँ अब आओ, ये शुरू किया था आपको अंदाजा था ये इस लेवल पर पहुंचेगा? नहीं नहीं मेरे को नहीं मालूम, अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह का शुक्र पूरी मार की जयंती हो रही है, सही अल्लाह का शुक्र, मेरे को कोई वो नहीं है फिक्र, बाजू में लग गया यहाँ वो, ये अपने स्टाइल से पिलाएंगे तो भाग जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बोल डबा डब। अच्छा ये बताइए थैली का भी तो लगा सकते हैं आप दूध, ये क्यों शोबाजी करते हो दिखाने की? शोबाजी नहीं है वो, अच्छा दूध है, गाढ़ा दूध है। हाँ अब गाढ़े लोगे पब्लिक को तो आएगी ना मजा, मजा आएगा जब आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये टेट्रा पैक ही लगाते हैं, ये थैली का दूध भी लगा सकते हैं। क्या चल रहा है? सब ठीक, पहला ही रोज़ आया आज तो, तो क्या टाइमिंग रहेगी रमज़ान में? रमज़ान में शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक चलेगा। नहारी भी रखते हो ना? चलो फिर नहारी आपकी ट्राई करेंगे। ये मेरे पीछे वो रेस्टोरेंट है, कुछ डिफरेंट सी चीज़ें कर रहे हैं, अल्फहम और शवाया मंदी काफ़ी मशहूर है और इनका हिट जा रहा है, क्वालिफाइड शेफ़ जो ये बना रहे हैं। अंदर चलते हैं देखते हैं इनकी जो तालीम है वो इनके काम में कितनी झलक। मैरिनेटेड है, हाँ अफजन भी हो रहा है, साबुत साबुत मोटे मोटे मसाले नजर आ रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट अल्फाम देख रहा हूँ, ये थोड़ा दरदरा क्रशिंग हो रहा है। हाँ मोटे मसाले हैं ये, इनकी कुछ अपनी प्रैक्टिस मुझे लग रही है, मैंने जो भी मसाले आज तक किसी भी पे मैरिनेशन में देखे बड़े बारीक पीसे वो होते हैं, मोटे मोटे मसाले लगे हुए, ये शेफ के हाथ का अल्फाम बन रहा है, कुछ खास होना चाहिए। हाँ मैंने ग्रेजुएशन की है कलिनरी आईएचएम शिमला कुकरी से 2013-16। लिया है वो एक ये शवाया लिया है, शवाया ड्राई भी मिलता है, राइस के साथ भी मिलता है, ये शवाया है और जनाब ये इनका अल्फाम है। अल्फाम के अंदर जो कुछ तब्दीली मैं देख रहा था जब ये बन रहा था वो ये थी कि इनके मसाले जो थे काफ़ी मोटे मोटे मसाले थे, अमूमन मैरिनेशन में पिसे हुए मसाले होते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे हैरान कर गई वो है यहाँ पर ये गलावटी कबाब, हम लखनऊ में खा चुके हैं गलावटी कबाब, हम जाकिर नगर में खा चुके हैं, शुरुआत करते हैं चिकन अल्फाम मंदी से। ये टूटने में ही बता देगा कि ये कितने पानी में है, पहली बात तो ये कि चिकन जूसी है। एक निवाला इसका अकेले लेते हैं, इससे असल तारुफ इसके अकेले से होगा, उसके बाद जब इसको राइस देंगे इससे पूछेंगे कि अब तुम राइस के साथ कोलैबोरेट करके क्या सोचते हो। पहले इसका रूखा निवाला। एक सबसे अच्छी बात ये कि मक्खन की नहरें नहीं बहा रखी है, मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, उन्होंने कहा भाई नहीं डालना चाहिए। रिवायत चल गई है मक्खन की नदियां बहाने की, ये कितनी सही है? बहुत गलत है, 100% गलत है, मार्केट की डिमांड है, सब करते हैं, इन्हें भी करना पड़ेगा। अब इस अल्फाहमंदी को इसके चावल दे देते हैं जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, मंदी जब ही बनेगी जब इसको चावल के साथ खाया जाएगा, हाथ अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है। चावल के अंदर अपना एक जायका है, मुझे शेफ दानिश ने बताया था कि ये जो चावल हैं सेला नहीं है, हम कच्चे चावल की मंदी बनाते हैं, चावल सॉफ्ट हैं, लंबे हैं, बारीक हैं, थोड़े से खुशबूदार मसाले पड़े हुए हैं। मंदी के अंदर जो चावल होते हैं वो भी थोड़े बहुत जायका थोड़ा बहुत किरदार लिए होते हैं, उन्हें होना ही चाहिए। आ जाते हैं गलावटी कबाब पर, जो गलावटी कबाब ये टूटना तो दूर की बात, ये इसने तो पूरा आपा ही आपके हवाले कर दिया, बिखर गया कई टुकड़ों में। गलावट के तौर पे इसको गलावटी कहा जा सकता है, बाकी जबान बताएगी कि जायका कैसे। चमकीले मसाले, थोड़ी खुशबुएं, गलावट बेइंतहा जैसी होनी चाहिए, खुशबुएं किसी हद तक महसूस हो रही हैं लखनऊ जैसी, पानी और हवा और फजा जहाँ खाना बनाया जा रहा है ये तीनों चीज़ें उसके जायके में असर डालती हैं, उसको देखते हुए बहुत अच्छा है। इस जामा मस्जिद पे अगर ये गलावटी कबाब आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, इसमें कहीं पर क्रीम ना बटर बहा रखा है, तो ये विद स्किन होता है और ये विद स्किन जब आप इसको गोल गोल घुमाते हैं और उसके अंदर फ्लेम्स जलती रहती हैं तो होता क्या है, एक बेसिक बात ये है कि इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, जो जूसेस इसके निकलते हैं अपने उन्हीं में ये पकता है, खास लग रहा है, बड़ी कलियां सी इन्होंने खिला दी है। बिस्मिल्लाह, ये एक अलग लीग है, ये एक अलग लीग है। जब ये अपने जूसेस में पक गया तो ये इतना सॉफ्ट हो गया कि वो कोयलों पे नहीं हो सकता, फ्लूइड्स निकलते हैं वो इसको पकाते हैं, बाहर से फ्लेम लग रही होती है लेकिन उसको रोके हुई होती है, तो बाद इसको पंक्चर करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स निकल जाते हैं, पूरा प्रोसीजर है। खैर ये जो उन्होंने कुछ सॉसेज इसमें लगाई हैं ये मुझे लगता है कि इसको कुछ इनकी सी ड्राइव अलग देगी, थोड़ा सा अलग कुछ लगेगा, एक बार खाकर देखते हैं उसके बाद। यार ये पता है इन्होंने थोड़ा सा फ्यूजन किया, खट्टी खट्टी सी ये सॉस है, जो शवाया है वो बिल्कुल सटल है, जब ये फ्यूजन होकर आता है तो अच्छा लगता है। इस इतने सारे खाने को जितना हम खा सकेंगे खाएंगे, जो बचेगा छोड़ेंगे नहीं, पैक करा लेंगे। शाम से मेरे साथ हैं जो पूरी हेल्प कर रहे हैं, कौन है आपने इनको कई वीडियोस में देखा होगा,
मैं दिखाता हूँ कैमरा पैन करके। हाय गाइस, बताइए कि क्या रिपोर्ट है इसकी आपके पास? अमेजिंग। अच्छा, हमारे पूरे एरिया में नहीं मिलता है। उमेश जो इनके पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा भैया ये खास तौर से यही मिलता है और इनको बहुत पसंद आता है। आप खाते हैं वैसे इनसे? ले जाते हैं, मैं ये मंदिर लेके जाता हूँ। ये जो दो तीन कुकड़ यहाँ पर हैं, इनके साथ हम थोड़ी सी तबादमाई कर लें, उसके बाद आपसे बात। अच्छा जी, तो ये हुआ आज का हमारा रमजान का पहला रोज़ा, पहला वीडियो, पहली मुलाकात। अगली मुलाकात बहुत जल्दी आपसे लखनऊ में होने वाली है। लखनऊ के बाद फौरन हम पहुँच जाएंगे जी। तो ये थी आज की वीडियो। तो भाई बहुत ज्यादा मजेदार खाना था और इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे दिल्ली, ओल्ड दिल्ली जिसको बोला जाता है, जिसमें खाने जो है बहुत ज्यादा मजेदार किस्म के होते हैं। और 2024 की ब्रांड न्यू वीडियो थी, फर्स्ट रोजे की वीडियो थी, जिसमें काफी अच्छे तरीके से भी बाजार सजा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रही था राज जैसे लाहौर है पुरानी, मतलब है ना, ऐसा फीलिंग आ रही थी कि जैसे आप अंदरून लाहौर चले जाते हो ना, तो वैसी आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। सेम मुझे तो वैसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन भाई खाने बड़े जबरदस्त किस्म के थे, जिसको देख के आप सबके मुंह में मतलब है जो है ना पानी आ जाता है इंसान के मुंह में कि यार रमजान में जो है ना कि इतने अच्छे तरीके से इफ्तारी की जाती है। और जब रोजा रखा होता है ना, तब पता नहीं क्यों ज्यादा ऐसा तजस्सुस होता है कि यार खाओ खाओ, लेकिन तब खा नहीं पाते। तो इस वजह से ना इंसान को मुझे लगता है कि हमें ज्यादा फीलिंग आती है। हाँ। और वो लोग यार जो बोलते हैं कि भाई मुसलमान जो है ना इंडिया में आजाद नहीं है, उनको तो पता नहीं रोजे भी रखने की इजाजत है या नहीं, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए कि यार देखो अब कि कैसे वहां पे मुसलमान जो रमजान खुशियां मना रहे हैं, किस तरह से इतनी इतनी बड़ी शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं और जो मन मर्जी अपनी बेच रहे हैं। मोहब्बत शरबत मैंने सुना है कि भाई बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और इसको बहुत ज्यादा फेमस है भाई हर जगह पे। ये मुंबई में भी कल की वीडियो में देखा था, लेकिन दिल्ली में बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जो है ना ये मशहूर है। हाँ, 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 आपको कैसा वैसे लगा, देखने में कैसा लग रहा था? मारा दिल चाह रहा था दिल जा रहा था पीने को, क्योंकि यार मैं मतलब मैंने नहीं कभी इस तरह से भी ट्राई किया कि मतलब जो है ना वो जामे श्री डाल के ना इसके अंदर दूध के और उसमें जो है वो खरबूजे कट करके, तो नहीं तरबूज यार मैं गया। हाँ वो ब्रिक ब्रिक कट करके, तो पता नहीं यार कैसा होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्टी काफी ज्यादा होता होगा। हाँ तो अच्छा लगा भाई देखकर और बहुत ज्यादा खुशी भी हुई कि रमजान जैसे मतलब दरवाजे के आगे बाजार है। हाँ दरवाजे के आगे तो इतना सजा धजा हुआ भाई बाजार दुल्हन की तरह। हाँ बहुत खुशी हुई भाई, दिल से खुशी हुई देखकर। और आप सबको रमजान से मुबारकबाद, और जिसने हमें रमजान की इतनी ज्यादा मुबारकबाद, हमें सबने बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमें रमजान मुबारकबाद दी। दिलदानी जी हुए साडे। हाँ इस वजह से भैया उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया है, तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन वीडियो।